वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के आवास पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और इस दौरान राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति भी इस दौरान यहां पर मौजूद दिखे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, आज तेजस्वी यादव आज मुकेश सहनी से मिलने के लिए पहुंचे, शक्ति यादव और देव ज्योति भी तेजस्वी यादव के साथ हमें दिखे। मुकेश सहनी के आवास पर तेजस्वी यादव पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी के पिता की हत्यारों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद तमाम बड़े लीडर्स उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओबीसी आरक्षण को नवीं सूची में अनुसूची में डालने का मामला उठाते दिखे। दरअसल मनोज झा के तरफ से संसद में उठाए गए सवाल पर केंद्र के जवाब का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि मनोज झा के सवाल का जो जवाब मिला है वो काफी आश्चर्यजनक है। हमें पहले से आशंका थी कि बीजेपी आरक्षण पर विरोध जताएगी। बिहार में जातीय गणना के समय भी बीजेपी ने अड़ंगा लगाया था। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। जाति आधारित गणना पूरे देश में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बताना चाहिए। तो ये तीनों सवाल को लेकर के पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है, कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर रही है। हम लोग सच्ची लड़ाई लड़े राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायक समूह के मानदेय को दुगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के हटते ही, जब ये भाजपा और एनडीए डबल इंजन की सरकार आई, तो सारे काम में जो है ताला लग गया। तो इसलिए हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि कम से कम आप लोग भी सूचित हो जाइए और देश और राज्य के लोग को भी सूचित कर दिया जाए कि भारत सरकार का, भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी। और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने तेजस्वी आपको बताया कि तेजस्वी यादव के बिहार में यात्रा निकालने पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन के 5 दिन के सत्र में एक दिन भी सदन नहीं पहुंचे। 15 साल में अपराध की जो स्थिति बिहार में थी आज तक लोग इसे भोग रहे हैं। 15 साल के शासनकाल में लालू यादव की सरकार में पंचायत में भी आरक्षण नहीं दी थी। ऐसे में तेजस्वी यादव को सड़क पर उतरने का कोई औचित्य नहीं है। जा रहे हैं कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की जनता बताएंगे। बिहार में जमीन का अभी 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 5 दिन तक विधानसभा का सत्र चला है और 5 दिन में एक भी दिन वो प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उनको सदन में आना चाहिए और सदन में आकर के बिहार के समस्या अगर कहीं है तो इसको उठाना चाहिए। जो प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा के सत्र में एक दिन भी नजर नहीं आते हैं उनसे बिहार के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। और बिहार में जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है उसका बराबरी इस जन्म में वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको जहां भी जाना है, जिस यात्रा पर भी निकलना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, निकले, उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों का सेवा हर स्तर पर किए हैं और करते रहेंगे। रही बात विधि व्यवस्था का, तो बिहार से बेहतर विधि व्यवस्था हम लोग आंकड़े के साथ कह सकते हैं किसी दूसरे जगह नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है और आने वाला समय में भी कंट्रोल में रहेगा।